सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के मुहाना थाना क्षेत्र के गांव तिहाड़ मलिक में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 41 साल के युवक की बाइक सवार बदमाशों ने 4 से 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद मुहाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एक अस्पताल में भिजवा दिया और पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव तिहाड़ मलिक का रहने वाला 41 साल का युवक अपने खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गया था, लेकिन पहले से ही उसकी हत्या के लिए घात लगाकर 3 से 4 युवक खेत में ही बैठे थे। जैसे ही वो अपने खेत से आने लगा तो बदमाशों ने 4 से 5 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रवीण की हत्या की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी अहम सुराग हथियारों का नहीं पता लग पाया, लेकिन परिजनों की शिकायत पर गांव के ही 4 से 5 युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। प्रवीण के परिजनों ने बताया कि गांव के ही लोगों के साथ सिंचाई के पानी को लेकर प्रवीण की पिछले दिनों कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये सुबह हरिया चारा लेने गया था जी खेत में 9:30 बजे। वापस आते समय रास्ते में छुपे हुए थे, उन्होंने गोली मार दी खेत के पड़ोसी मारे। तो भाई ने कंप्लेंट की? हाँ, मामले नाम लिखवा दिए। क्या क्या नाम है सर? एक का कुलबीर जी, एक का प्रदीप है, एक का अजय। तीन लोग हैं। 7 मोटरसाइकिल थी जी सर। कोई पुरानी दुश्मनी खेत के पड़ोसी को दुश्मनी ऐसी कोई नहीं थी सर। पहले कोई झगड़ा हुआ हो? झगड़ा यही था जी कि आपस में खेत खात में जो पानी निकल गया, आपस में हाथापाई होगी, यही झगड़ा था। कोई झगड़ा नहीं था जी, पुरानी दुश्मनी कोई नहीं थी हमारी। तो उनका कितनी उम्र थी? 41 साल जी। क्या नाम था? प्रवीण सनोवराज सिंह। आप क्या लगते हो? उसका भाई जी। एक गांव के खेतों में बाकी सूचना मिली थी कि शख्स को गोली मार दी, तो हम मौके पहुँचे हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में देखा कि एक मोटरसाइकिल पे जो घास की तरफ लेके गांव खेतों की तरफ से आ रहा था, वहीं पे उसकी गोलियाँ मार के हत्या की। क्या नाम था सर मृतक का? प्रवीण कुमार। सर किस पर आरोप लगे हैं? 5-6 लोगों पर आरोप लगे हैं। क्या कारण सर प्राथमिक जांच में निकल कर आए हैं? पुरानी रंजिश का ही आ रहा है और इसमें गिरफ्तारी के लिए अभी टीम गठित की है और गिरफ्तारी का प्रयास की है। शिकायत मृतक की माता ने की है। क्या नाम है? जगवंती। जगवंती जी। पुरानी रंजिश सर पानी को लेकर ही सामने आई है, तो खेतों में पानी डालते हैं सिंचाई? वो कोई आपस में पहले कास नहीं है। कितनी गोलियाँ लगी हुई सर अभी तक? 4 गोलियाँ लगी। कितने लोग हैं सर प्राथमिक जांच में? सर कितने लोग बताए जा? अभी शक के आधार पे उन्होंने 5-6 लोगों के नाम लिए हैं, बाकी इसमें जांच जारी है।